नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि ऐसे विकेट कीपर जिनकी बोली लगेगी मेगा ऑक्शन में, और दोस्तों वह कौन से विकेट कीपर है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी लिस्ट। लेकिन दोस्तों आप IPL को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों IPL मेगा ऑक्शन के प्लेयर की लिस्ट जारी हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के मेगा ऑक्शन से पहले बोली में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों की सूची आ गई है। इसी के हिसाब से अब टीमें अपनी अपनी रणनीतियां बनाएगी और ऑक्शन लिस्ट में कई ऐसे विकेटकीपर भी शामिल हो गए जिनकी इस बार ऑक्शन में काफ़ी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि IPL की नई टीमें ऐसी हैं जिनके पास विकेटकीपर नहीं है। IPL में इस बार 10 टीमें हिस्सा लेगी। अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें पहली बार हिस्सा लेने वाली है। अगर सभी टीमें रिटेंशन की लिस्ट देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें जिनके पास विकेटकीपर शामिल है, लेकिन बाकी टीमें पूरी तरह से खाली है। ऐसे में ऑक्शन की लिस्ट में कौन से ऐसे विकेटकीपर है जिन पर पैसों की बरसात हो सकती है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, अहमदाबाद की टीम को विकेटकीपर की तलाश होगी। उनके पास एक भी विकेटकीपर नहीं है, इसलिए दोस्तों बात की जाए तो सभी विकेटकीपर की बात की जाए तो उसमें क्विंटन डिकॉक जो कि 2 करोड़ की बेस प्राइस में है, ईशान किशन 2 करोड़, दिनेश कार्तिक 2 करोड़, अंबती रायडू 2 करोड़, सैम बिलिंग्स 2 करोड़, मैथ्यू वेड 2 करोड़, जॉनी बेस्टो 1.5 करोड़, निकोलस पुरन 1.5 करोड़, ग्लेन फिलिप 1.5 करोड़, जोशुआ फिलिप 1 करोड़, रिद्धिमान साहा 1 करोड़, लिटन दास 50 लाख, निरोशन डिक्वेला 50 लाख, आंद्रे फ्लेचर 50 लाख, रहमानुल्लाह गुरबाज 50 लाख, शाई होप 50 लाख, हेनरी क्लासन 50 लाख, बैन मैकडरमॉट 50 लाख, कुशल मेंडिस 50 लाख, कुशल परेरा 50 लाख, टीम सिफर्ट 50 लाख, शेल्डन जैक्सन 20 लाख, एन जगदीशन 20 लाख, अनुज रावत 20 लाख, जितेश शर्मा 20 लाख, प्रभसिमरन सिंह 20 लाख, विष्णु सोलंकी 20 लाख, विष्णु विनोद 20 लाख। दोस्तों बता दें कि विकेटकीपरों की टीम में जोड़ने के कई लाभ है, क्योंकि टीम के पास कप्तानी का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में अगर कोई विकेटकीपर कप्तान नहीं है तो भी वह विकेट के पीछे लगातार सुझाव देता रहता है। यही कारण है कि अभी भी IPL में कई ऐसी टीमें हैं जिनके कप्तान विकेटकीपर है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भारत के ईशान किशन की बड़ी बोली लग सकती है, क्योंकि वह विकेटकीपर है। इसके साथ ही ओपनिंग या चौथे नंबर पर आकर तेजी से रन बटोर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा क्योंकि वह युवा है तो सभी टीमों के साथ लंबे वक्त तक जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ऐसे विकेटकीपर जो IPL 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं विकेटकीपरों की सूची में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।